हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सुनीता राहुल सेठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सुनीता सिंह पर। तो आइए दोस्तों, सुबह की ठंड ठंड से और हल्की हल्की धूप की किरणों से कर लेते हैं ब्लॉग के स्टार्टिंग। तो बहुत ठंडा हो गया है दोस्तों, मॉर्निंग वॉक से आके, मतलब उस समय तो दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, गर्म लग रहा था, और अब बाहर आके इतनी ठंड लग रही है, क्या बताऊँ मैं आप लोग को। तो इसी बात में अब बना लेते हैं चाय। तो मैं लेमन ग्रास तोड़ने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चोरी करके लाती हूँ चाची की, मैं से एक ही पेड़ तो लगा रखा है, दौड़ लगा। तो दोस्तों लेमन टी बन जाने वाली है, अब बन के देखे आते हैं बूबू को भी और मैं खुद भी पीती हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फिर भी बादल लगा है, एक काला सा हो रहा है मौसम, ठंड शुरू हो गई है दोस्तों। ये सुबह सुबह का ये नज़ारा है चंपावत का। भैया पहाड़ की महिलाएं इतनी मेहनत करके मतलब अपने बच्चों को पालती है, कितना कष्ट भरा जीवन है पहाड़ में हैं। दिए बुढ़बैर लाग रही बिचार नंदिना स्कूल पूजा आ रही। इतना बड़ा बच्चा है देखो सामने में बिस्तर लगा रहा है। और इसी को बोलते हैं कष्ट भरा जीवन, पहाड़ की दिनचर्या यही होती है। महिलाएं कह रहे हैं कि मैं अब बूढ़े कम नहा दूंगा, हे मादी मैं भी काम करके खा सकती हूँ। बल जैसे बोला था ना, कल बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी करके, तो मेरी दोस्त का सुबह सुबह मैसेज आया है कि कवर है बल दुकान में, बहुत ठंड लग रही है यहाँ, ज्यादा ठंड हो गई, ज्यादा ठंड हो गई बल। तो मैंने कहा है भाई आ जाना। और ये मेरी दोस्त आ गई है अभी, क्या कहते हैं 11 बजे आ गई थी लेने के लिए कवर। हाँ आप रजाई लेके जा रहे हैं, रजाई में डालेंगे अब। बहुत ज्यादा ठंड लग गई बोलो, अभी से एक देख रहे भाई। यहाँ तो ठंड होने लग गई। तो ठंडा तो बहुत हो ही रहा है यार, तुमको तो लगेगा। और पिछले साल तक ना ठंडी शुरू हो जाती थी और इनके गर्मी वाले कपड़े नहीं उतरते थे, और इस बार स्टार्टिंग में ही मतलब ये स्वेटर वेटर और गर्म सूट पहन के आ गई है। कल तो बहुत ठंडा था, फिर बहुत बारिश हुई थी, हालत खराब हो गई थी, बारिश। तो दोस्तों मिलते हैं बाद में आप लोगों से। यहाँ दोस्त को ये पन्नी में डाल के दे देती हूँ कवर। कवर देख रहे हो दोस्तों, काम कर रही हूँ बल में, काम तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब बताओ काम कब किया तुमने, क्या काम किया आप बताओ, है क्या काम किया मैंने? अभी तक क्यों नहीं आई तू, जब मैं बिल्चा लगा रही थी और दे रही थी, देखो दोस्तों कुछ काम दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे सब सपाट हो रखा है, काम कुछ भी नहीं है। पूरा बीम भर के रख दिया है, खाली फसल साफ हो गया है, अभी तक क्यों नहीं आई? अच्छा ऐसी बात है, दिन की हालत खराब हो गई। देखो पानी ला रही हूँ, एक ही घूंट पी रही है, पानी भी नहीं पी रही है। ये है कपलांगी जिसकी ददा की भी बीबी है, मेरे को गाली मत करना। तो क्या कहते हैं, फिर चूड़ी पहना रही थी और रात का भात खाने आना। कब है? नहीं वो नीचे जाना। तो अब देखती हूँ, हाँ थोड़ी देर इनको यहाँ पे इनकी सेवा पानी करी जाए, उसके बाद पहनाती हूँ चूड़ियाँ, तो क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक हो आप अभी? तो अभी ठीक हो गई है भाभी जी, इनको मैंने चूड़ियाँ भी पहना दी है। तो जिन मैं कह रही थी ना, दादाजी जिनकी बीवी है चूड़ियाँ पहना दी है, आज के बाद इनसे बोलना कि मतलब चूड़ी बड़ी बड़ी पहने और इनको हेल्थी हेल्थी खाना खिलाओ और स्ट्रेस फ्री रखो, स्ट्रेस। प्राणी को कैसे कह रही है, भाभी जल्दी चलो बल, देखो घर में बहुत सारा काम करना है। ऐसे भाभियों को ऑर्डर देते हैं ये लोग, भाभी बोलो जरा हम भी तुम्हें ऐसे ऑर्डर देंगे ना, लाइन में आ जाओगे बोलो। अरे लाइन ही में है। बता गेहूं खरीद के लाए हैं, मेरी मुड़ी तो नहीं? हाँ मेरी मुड़ी थोड़ी पिसाने जाओगे, रोगे कल से। चार कट्टे गेहूं पिसाने जा रहे हैं ये, दो कट्टे मेरा तो एक ही है, रोहित का भी एक, रोहित तेरा कौन है? दो कट्टे। हाँ तो दोस्तों दुकान पे बहुत ही हो गई थी, तो मम्मी घास के लिए गई थी, ना तो घास काट पाई और ना टाइम से आज सब्जी काट पाई। बाथरूम में रखी है मैंने सब्जी धोने के लिए, हाँ मतलब टब में रख के डाल के आई थी, एक बार धो के गई थी तो उसको धोने का भी टाइम नहीं हुआ। अब मैंने चढ़ाई है आज दाल,
दाल के साथ ही रोटी खाएंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और बूबू ने दिन में भी खाना नहीं खा रखा है तो उनको लग जाएगी भूख। और बूबू कह रहे दाल चढ़ा रही है, बल क्या सब्जी को सड़ा देती है अब। लेकिन दोस्तों मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इस वजह से मैं नहीं बना पाई और अब बना लेती हूँ। आइसक्रीम गुलदस्ता बन गया, गुलदस्ता बना दिया इसके पापा ने इसको, ये देखो ये ओहो पूरी पैक हो गई है पैक। क्या बात लल्ला, क्या बात है, कैसे देख रही है, देख रही है मुझे है, यहाँ हूँ मैं, देख रही है इधर। अच्छा क्या बात है भाई, क्या बात है, अभी तो मुझे कपड़ों की तह भी बनानी है, बहुत छाला काम करना है। तेली आमा अभी ऑर्डर दे के गई है, गांव में 8 बजे जाएगी तो घास काट के जाना। हाँ ओहो तो देखो दोस्तों दुग्गे ऐसे सोया है साइड में, काम करते करते इसको आ गई है नींद, गिरने ही वाला है यहाँ से ऐसे साइड में सो रखा है। तो दोस्तों खाना पीना हम लोग का हो चुका है और तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह फिर उठ के जा रहे हैं गांव की तरफ, तो दो चार कार्यक्रम हैं। कल आने वाली है मुख्यमंत्री धामी जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी, तो जो जी द्वारा जो चौड़ा सेठी में पार्क बना हुआ है, ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो पार्क बनाया गया है उसका उद्घाटन करना है और उसके बाद उनको जाना है वन पंचायत भवन चंपावत में, जहाँ मशीन प्रशिक्षण का सिलाई मशीनों का प्रशिक्षण करने के लिए जो महिलाओं को देना है उनका उसका उद्घाटन करना है उनको, क्योंकि 40-50 महिलाएं हैं जो स्वरोजगार करें तो उनके लिए मशीनें आई हुई हैं। तो कल उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद प्रशिक्षण कब शुरू होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो जो भी महिलाएं सीखनी चाहती हैं उनका नाम मतलब मेरे पास तो नहीं है, चाची नगर मंडल के अध्यक्ष है तो उनके पास वो लिस्ट है, तो उसके बाद बता दिया जाएगा कल जो जब से अगर उनका प्रशिक्षण शुरू होगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बस मिलते हैं आपसे कल को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि।